हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने ऑलरेडी इससे पहले जाना कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज भेजी थी कि हमें जो है इस पर कुछ लेक्चर्स दीजिए, अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब भी डिस्क्रीट सीरीज होती है कि हर एक वैल्यू जो होता है उसके अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज होती है। ऑल द वैल्यूज हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी सीरीज और सिंपली दीज आर कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी एरे। तो डिस्क्रीट इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर इज नो क्लास इंटरवल्स, देयर इज नो रेंज ऑफ द वैल्यूज, यहां पर रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। यहां पर गैप होते हैं किसमें, वैल्यूज में। तो यहां पर जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की और इसमें कैसे हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, तो चलिए यहां पर जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द डिस्क्रीट अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो कौन कौन सा मेथड है, एक हमने यहां पर लिख दिया है, तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। सो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग मेथड्स में, अलग अलग जो ये फार्मूलाज जो यूज हो रहे हैं, तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इससे हम जानेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे दिस अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। लेट्स हैव एग्जांपल हियर डियर। तो यहां पर हमने एग्जांपल दिए हैं, वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। हमें यहां पर अरिथमेटिक मीन को जो है फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमने एग्जांपल लिए हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन और सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स और द पर्संस। हमें कुछ पर्संस हमने लिए हैं, उनका हमें एवरेज वेट जानने की जानना चाहते हैं यहां पर। तो चलिए पहले क्या है, वेट इन केजीज, क्योंकि हम मेजर कर लेते हैं वेट किसमें, केजीज में ही, तो हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से। तो कोई भी वैल्यू होगा, ऑल द वैल्यूज आर बीइंग डिनोटेड इन डिनोटेड बाय एक्स। तो एक्स ये जो से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए पहला क्या है, 50, 55, 60, 65 and 70। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वेट दिया है और इसको हमने डिनोट किया है किससे, एक्स से। तो अकॉर्डिंगली देर आर पर्सन, जो हम पर्सन की बात करते हैं ये हमेशा हम फ्रिक्वेंसी में लेते हैं, बिकॉज देर आर डिफरेंट पर्सन हु हैव द रेस्पेक्टिव वेट्स, उनके रेस्पेक्टिव वेट्स हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी क्या है, तो 50 जो वेट जो है, देर आर 15 persons who have the 50 weight, तो 50 kg जो याद रखेगा डियर, तो 15 ऐसे पर्सन है जिनका इतना वेट है, अकॉर्डिंग 20, 25, 30 and 10। तो दीज आर द फ्रिक्वेंसीज, दीज आर द पर्सन हु हैव देयर रेस्पेक्टिव वेट्स, यहां पर अकॉर्डिंगली उनका वेट दिया गया है। तो जब ये दो चीजें होती हैं तो हमारे हमें खुद ही समझ आएगा कि दिस सीरीज इज अ डिस्क्रीट सीरीज। तो एक तरीके से जो हमारे पास वैल्यूज भी हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज हैं, अकॉर्डिंगली डियर हमें क्या करना है, वो हैव टू फाइंड आउट देयर समेशन ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, या एन भी कह सकते हो आप या समेशन ऑफ एफ कह सकते हो आप। तो यहां पर इनका प्लस करेंगे, 15 प्लस 20, इसके बाद जो याद रखिएगा 15 प्लस 20 हो गया 35, 35 प्लस 25 जो है याद रखिएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंगली इनको कैलकुलेट करते जाएंगे और लास्ट में जो हम देख सकते हैं कि इनका टोटल सम जो है, टोटल जो समेशन जो है, दैट इज 100। तो दैट मीन्स देयर आर द 100 नंबर ऑफ द पर्सन एंड देयर अकॉर्डिंगली देयर वेट्स आर गिवन। तो उनके वेट्स दिए गए हैं और 100 जो है पर्सन है। हमें क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वी कैन यूज थ्री मेथड्स, हमारे पास तीन मेथड्स है जिससे हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं किसमें, दिस डिस्क्रीट सीरीज में। पहला कौन सा मेथड है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे हम ये जो ना अरिथमेटिक मीन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, तो याद रखना है इसकी एक फॉर्मूला है, दैट इज द दिस एक्स बार। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अरिथमेटिक मीन इज बीइंग डिनोटेड बाय द एक्स बार इज इक्वल टू द समेशन दिस एफ एक्स एंड
divided by सिग्मा एफ आर, सिंपली यू कैन से द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर हमने क्या किया था डियर, यहां तक तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही था, एक्सपी भी आ गया था और फ्रीक्वेंसीज भी दी गई थी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द एक्स। तो हमें एक्स वेरिएबल को किसके साथ मल्टीप्ल करना है, फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीपल करना है। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, तो हमें यहां पर जाना 15 into 50, दैट इज 750, अकॉर्डिंगली 20 into 55, दैट इज द 1100, तो अकॉर्डिंगली 25 into 60, तो ये बन जाता है 1500। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, तो हर एक वैल्यू जो है उसको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया है, मल्टीपल किया है। सिंपली यहां पर तीन कॉलम्स आते हैं, एक कॉलम क्या है वेट एक्स, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द एक्स वेरिएबल। तो अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारे वैल्यू, ये जो वैल्यूज आते हैं, तो यहां पर हमें इसका लास्ट में क्या करना है, सम करना है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर, हमने यहां पर क्या लिखा है, तो सिग्मा जिस, और यू कैन सिंपली से द समेशन एफ एक्स, जो हमने यहां पर ये जो डिराइव हुआ है जो मल्टीप्लीकेशन करके, तो इनका पूरा सम करना है। तो याद रखिएगा ये बनता है 6000 जब हम इनका प्लस करते हैं। तो देन हमें क्या करना है, वी हैव टू यूटिलाइज द फार्मूला। कौन सी फार्मूला, तो डायरेक्ट मेथड में कौन सी फार्मूला यूज करनी है, तो हमने ऑलरेडी बोला, तो मीन या सिंपली यू कैन से एक्स बार इज इक्वल टू द समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय द समेशन एफ। तो ऑलरेडी हमारे पास ये जो वैल्यूज, ये जो पता है इनका, ये जो क्या वैल्यू है, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल 6000 और अकॉर्डिंगली समेशन एफ जो है दैट इज 100। तो 6000 डिवाइड बाय 100, तो याद रखिएगा डियर, तो ये 20 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो 60। तो 100 स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जितने भी पर्सन्स थे, आउट ऑफ 100 पर्सन्स देयर अर्थमेटिक मीन वेट इज 60, तो उनका एवरेज में 60 जो है क्या है, उनका मीन या इनका अर्थमेटिक मीन या एवरेज कह सकते हो कि उनका वेट है। तो ये हमने जाना किसके जरिए से, तो डायरेक्ट मेथड से। तो आपको याद रखना है, तो डायरेक्ट मेथड में ये सिर्फ ये फार्मूला यूज करनी है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो अकॉर्डिंगली मैंने आपको ऑलरेडी बोला, वी कैन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड, दैट्स कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो शॉर्टकट मेथड पहले याद रखिएगा, व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम एज्यूम करके लेते हैं, पहले ही मीन एक निकाल लेते हैं। तो बिफोर फाइंड आउट द, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल मीन, जैसे यहां पर हमारा एक्चुअल मीन 60 निकला, 60 मीन निकालने से पहले हम एक एज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। चले जान लेते हैं यहां पर कि शॉर्टकट मेथड जो है इसके जरिए से हम कैसे इसी सीरीज को जो हमने यहां पर किया है, तो अकॉर्डिंगली कैसे हम क्या निकालेंगे, हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो बिल्कुल यही हमने एग्जाम्पल फिर से ली है, एंड वी विल शो यू दैट हाउ दिस, हाउ वी कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ और विद द शॉर्टकट मेथड। तो इसकी मदद से हम कैसे क्या लेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन। चले फिर से वही वैल्यूज, जैसे हमने बोला वेट दैट 50, 55, 60, 65 एंड 70, तो याद रखिएगा डियर दिस इज द एक्स वेरिएबल, और इनके जो वैल्यूज यहां पर दिए गए हैं ये वेट मान लीजिए, अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी जो हमने बोला 15, 20, 25, 30 एंड 10, एंड वी हैव टू मेक द सम ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज। हमें इन फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, सम करना है। तो आप यहां पर एन भी लिख सकते हो, या जनरली हम लिखते हैं समेशन एफ, दैट मीन समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज और सिग्मा एफ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि हमने यहां पर जो है शॉर्टकट मेथड में क्या किया, फिर से वही चीजें आ रही है, लेकिन यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल डिफरेंट है इस डायरेक्ट मेथड से। क्या करना है, इस वैल्यूज में जो भी एक्स वैल्यू हमने लिया है 50, 55, 60, 65 एंड 70, इसमें से कोई भी आप क्या ले सकते हो, यू कैन जस्ट टेक एनी वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन,
कोई भी इसमें वैल्यू आप क्या ले सकते हो, एज्यूम्ड मीन के तौर से ले सकते हो, आप 50 को ले सकते हो, आप 55 को ले सकते हो, 60 को ले सकते हो, 65 को ले सकते हो और 70 को ये जो एज एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। जैसे कि यहां पर हमने क्या लिया है, वी हैव टेक द एज्यूम्ड मीन 60, हमने 60 को क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन दैट इज डिनोटेड बाय द ए। तो ए को हमने कैसे किससे डिनोट किया, यानी कि ये एज्यूम्ड मीन है तो ये हमने डिनोट किया किससे, कैपिटल ए से। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा एज्यूम्ड मीन लेना चाहिए, हमेशा हम याद रखिएगा डियर, हम उस वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेते हैं जो हमें कैलकुलेशन में आसानी मतलब होता है, जैसे हमें ऐड करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करनी होती है कभी, या सब्ट्रैक्शन करना होता है, कोई भी ऐसा वैल्यू आप इसमें ले सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना, आप 50 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आप हमेशा उसको चूज कीजिए जो एक तो मिडिल में हो, तो दूसरा जो इजी कैलकुलेट करना हो, जैसे किसी को एडिशन करनी होती है, बाद फर्दर मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, तो वही वैल्यू चूज करना चाहिए एज एज्यूम्ड मीन, जिसकी वजह से कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो लेकिन डियर हमने क्या किया, हमने इस हमने एज्यूम्ड मीन लिया 60, तो हमने क्या करना है डियर, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिविएशंस, हमने डिविएशंस को फाइंड आउट करना है। डिविएशन का मतलब ही होता है कि हाउ मच वैल्यूज फॉर फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, एक वैल्यू जो है हाउ मच 50 इज डिवेटेड आर अवे फ्रॉम द 60 जो आपने मीन लिया है, ये 50 कितना इसे दूर है, 55 कितना दूर है, ये 65 कितना दूर है, तो इसको हम लेते हैं डिवेशन। एंड डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है डिवेशन को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, जो है स्मॉल डी से, तो डी इज डिवेशन, तो डिवेशन आपको याद रखना है, डिवेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, दैट मीन जो भी यहां पर एक्स का वैल्यू होगा तो उसको हमें माइनस क्या करना है, एज्यूम्ड मीन करना है। तो हमने ऑलरेडी बोला कि वी हैव टेक द 60 एज एज्यूम्ड मीन, तो हमने 60 को एज्यूम्ड मीन लिया है, तो आप अब खुद ही यहां पर ये जो ना कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे डियर, 50 माइनस 60 तो वो आएगा माइनस 10, अकॉर्डिंगली 55 माइनस 60 दैट विल बी द माइनस 5, 60 माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू द 0 अकॉर्डिंग 65। लेकिन याद रखिएगा जो पहले वाले वैल्यूज आएंगे वो माइनस में है, तो दूसरे वाले याद रखिएगा डियर 0 के बाद जो वैल्यूज आएंगे 65 माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू द प्लस 5, तो अकॉर्डिंगली 70 माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू द प्लस 10। तो याद रखिएगा डियर ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला डिवेशन, तो डिवेशन आपको याद रखना चाहिए। तो डिवेशन को हम डिनोट किसे करते हैं, तो स्मॉल डी से, एंड इट विल बी इक्वल टू द एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, इट्स द वैल्यू ऑफ द एक्स वेरिएबल, जो वेरिएबल एक्स है उसका जो है वैल्यू कितना है, और ए इसको माइनस करना है, और ए हमने बोला ए इज जस्ट द एज्यूम्ड मीन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द सीरीज। तो यहां पर हमने डिवेशन लिया है, तो अब हमें क्या करना है, एफ को डी के साथ मल्टीपल करना है, जैसे हमने किया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद द डिवेशंस। तो हमें एफ को किसके साथ मल्टीपल करना है, डिवेशंस के साथ, 15 into 10, लेकिन ये माइनस है यहां से, तो 15 into 10 आएगा, इट विल बी द माइनस 150, अकॉर्डिंगली माइनस 5 into 20 इट विल बी द माइनस 100। तो अकॉर्डिंगली डियर आपको याद रखना है आपको एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीपल करना है, डिवेशंस के साथ, डिवेशन आपको याद रखना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला डिवेशन हमें सिर्फ ये दिखाता है कि हाउ मच अ वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये एज्यूम्ड मीन अभी है, अभी हमने एक्चुअल मीन नहीं निकाला। तो डियर ऐसे जो हमने बोला 0 into 25 दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड अकॉर्डिंगली 5 into 30 दैट विल बी द 150, और अकॉर्डिंगली 10 into 10 दैट विल बी 100। तो हमें यहां पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिएगा डियर, जो भी नेगेटिव जो वैल्यूज होंगे उनको भी हमें ऐड करना है, और जो पॉजिटिव होंगे उनको भी हमें ऐड करना है। तो डियर यहां पर अगर देखा जाए 150 और 100 तो ये बन जाता है 250, बट ये है माइनस, नेगेटिव 250 आएगा, तो यहां पर जो है 100 प्लस 150 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द 250। तो यहां पर भी ये प्लस 250 है, ये माइनस 250 है, दैट विल बी इक्वल टू द 0। इनका समेशन अगर करेंगे 250 माइनस 250 दैट विल बी इक्वल टू द 0।
नाउ तो याद रखना है हमें अब कौन सी फार्मूला यूज करनी है, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। तो क्या है, तो अरिथमेटिक मीन, या आप कह सकते हो कि एक्स बार इज इक्वल, एक्स बार किसके बराबर होता है, तो ए आपको पता है, मतलब एक मतलब किसका ए क्या है, इट इज जस्ट द अज्यूमर मीन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द सीरीज, जो हमने ये सीरीज ली है उसमें कौन सा हमारा अज्यूमर मीन हमने चुना है या लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस समेशन एफ डी, तो समेशन एफ डी हमें पता है, इट इज, याद रखिएगा, समेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द डिवीजन, इनका हम देख सकते हैं कि इनका समेशन एफ डी जो है तो वो कितना आता है, जीरो आता है। तो याद रखिएगा डियर, तो ए कितना हमने लिया था, दैट इज 60, और अकॉर्डिंगली प्लस, तो हमें पता है समेशन एफ डी, समेशन एफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई समेशन एफ, समेशन एफ ऑलरेडी वी नो इट इज द, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो है 100, तो जीरो डिवाइड बाई 100 तो बनता है जीरो। तो अकॉर्डिंगली डियर 60 प्लस जीरो हो गया 60, तो हमारा आंसर बिल्कुल वही आता है जो हमारा इस मेथड से आता है। तो सो स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना कि चाहे डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड या कोई भी और मेथड हो, हम इजीली क्या निकाल सकते, वी कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। लेकिन दो मेथड्स हमने जाने, अब हम तीसरा मेथड क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं डियर। चले इसी ये जो हमने सीरीज ली है, इसी का हम कौन सा मेथड लेंगे, स्टेप डिविजन मेथड। चलिए डियर, हम के कौन सा मेथड लेंगे अब, स्टेप डिविजन मेथड। चलिए पहले हम फिर से यही वैल्यूज लेंगे, इट्स 50, 55, 60, 65 एंड 70। यहां तक तो बिल्कुल मैंने बोला कि क्वेश्चन में ही होगा। अकॉर्डिंगली हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी देखे हैं, दैट इज 15, 20, इट्स 25 एंड 30 एंड लास्ट में जो है 10 है। और हमने यहाँ पर हमें ये ऑलरेडी पता है, हमने इसका ऑलरेडी इस मेथड में देखा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 100। ओके डियर, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि क्वेश्चन में ही होगा, तो वैल्यूज देखे होंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होंगी। इसके बाद आपने एक और चीज जो इससे पहले वाले मेथड में भी जो आपने निकाली शॉर्टकट मेथड में, दैट्स डिवेशन। डिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला डिवेशन कैसे निकालते हैं, डिवेशन आपको पता होना चाहिए। डिवेशन हम निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम्ड मीन लेते हैं। यहां से जैसे हमने कौन सा एज्यूम्ड मीन लिया था, 60 एज एज्यूम्ड मीन, हमने 60 को क्या किया, एज एज्यूम्ड मीन लिया। तो हमने बोला कि हम बाद में क्या करते हैं, डी इज इक्वल एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल एक्स माइनस ए, जो आपका एक्स जो है इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है ए, तो जो कि हमने लिया है ए इज इक्वल 60, तो हमारा जो है ए वो कितना है, 60 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है बिल्कुल वही स्टेप्स यहां पर आ रहे हैं जो यहां पर शॉर्टकट मेथड में थे, यहां तक जो है यही स्टेप्स आ रहे हैं। पहले वैल्यू एक्स के जो वैल्यूज है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डिवेशन, ये जो ना डिवेशन, यहां तक तो बिल्कुल वही है। देखिए डियर, हम कैसे बिल्कुल ये जो यहां से और क्या आएगा डियर, तो यहां से जो है फिर से वही आएगा। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, डिवेशन 50 माइनस 60, तो वो आएगा -10। ओके, अकॉर्डिंगली 55 माइनस 60 वो आएगा -5। अकॉर्डिंगली 60 माइनस 60 दैट विल बी 0, और अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं 65 माइनस 60 दैट विल बी +5, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से 70 माइनस 60 दैट विल बी द +10। तो यहां पर हमने डिवेशन फिर से वही, आप देख सकते हो कि वही डिवेशन आ रही है जो यहां पर है। लेकिन हमें अब क्या करना है डियर, एक और कॉलम हमें यहां पे बनाना है, दैट विल बी इक्वल, उसको हम लिखते हैं डी डैश, या स्टेप डिवेशन उसको हम बोलते हैं। अब यहां पर आपको ख्याल रखना है कि ये डी डैश है क्या, डी डैश याद रखिएगा डियर, डी डैश इंडिकेट्स द स्टेप डिवेशन। व्हाट डज दैट मीन, स्टेप डिवेशन क्या होता है यहां पर हम जानेंगे। ओके डियर, तो हमने क्या लिया,
ये जो है डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू, याद रखना है, डी डिवाइड बाई सी, और इसी को हम बोलते हैं डियर स्टेप डिविएशन। अब आप बोलोगे कि सर ये सी क्या है, तो सी इज ए कॉमन फैक्टर। आपको इसमें देखना है वैल्यूज में कि कौन सा ये जो कॉमन फैक्टर इनका कौन सा, किससे इनको ये, या कॉमन डिवाइडर कौन सा इसमें है, तो 50, 55, 60, 65 या 70, इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे इनको कॉमनली डिवाइड हो जाएगा, या इनका कॉमनली ये जो मल्टीपल हो जाए, जिससे इनको मल्टीपल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं डी डैश। डी डैश मीन्स स्टेप डिविएशन किसके बराबर होता है, डी डिवाइड बाई सी। तो लेकिन हमें यहां पर देखना है कि सी कौन सा आप ले सकते हो, तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये जो आपके पास जो ये जो डी है इसको आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू जो किसके किसकी वजह से इसको सारे वैल्यू जो है 10, 5, 0 या 5, 10 इनको किससे कॉमनली डिवाइड हो जाएगा, या कॉमन फैक्टर कौन सा इनका होगा। सी मीन्स कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर आपको देखना है। तो देखिए 5, 10, 0 तो याद रखिएगा रे इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हम यहां पर लेंगे सी, लेंगे हम लेंगे सी 5, क्योंकि 10 को भी 5 से डिवाइड हो जाएगा या मल्टीपल हो जाएगा, या 5 को भी मल्टीपल हो जाएगा, तो दैट मीन्स 5 इज ए कॉमन डिवाइडर, और सिंपली यू कैन से इट इज ए कॉमन फैक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो जैसे हमने ऑलरेडी बोला, ऑलरेडी आपके पास 10 है, -10 मैंने आपको ऑलरेडी बोला डी डैश या स्टेप डिविएशन किसके बराबर होता है, डी डिवाइड बाई सी। तो डी कितना है, वो है -10 डिवाइड बाई सी, ऑलरेडी हमने कितना लिया है 5 लिया है, तो -10 डिवाइड बाई, जैसे यहां पे लिख सकते हैं -10 डिवाइड बाई 5 दैट विल बी इक्वल टू द -2। अकॉर्डिंगली -5 डिवाइड बाई 5 क्योंकि कॉमन डिवाइडर है, कॉमन फैक्टर है इनका, तो यह आएगा -1, 0, यह आएगा +1, और क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 यहां पर 10 डिवाइड बाई 5, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, तो यह आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो आपको क्या करना है, तो हम ये स्टेप डिविएशन में ये कॉमन फैक्टर क्यों लगा लेते हैं, इसको जानने की जरूरत है। कॉमन फैक्टर हम इसीलिए लगा लेते हैं, या ये जो ऐसे हम ये स्टेप बना लेते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू है, जो ये -10 था, -5 था, इसको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी वैल्यू छोटा होता है उसको कैलकुलेट करना, उसको मल्टीपल करना बहुत ही आसान हो जाता है एज कंपेयर टू ऐसा ग्रेटर वैल्यू जो होगा, जैसे -10, -5। इससे बेटर ये है कि हम -2, हमने इसको बना दिया कौन सा -2, -1, ताकि -2 जो है ये मल्टीपल करना या डिवाइड करना आसान हो जाता है, अगर हमें फर्दर जो क्लास अगर हमें फर्दर जो है इसमें और जो प्रोसेस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डी डैश जाना कि कैसे डी डैश निकालते हैं, डी डिवाइड बाई सी, तो सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो अब लास्ट में स्टेप देखना है, दैट विल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद द डी डैश। दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी डैश के साथ, ना कि किसके साथ, डी के साथ नहीं, डी डैश के साथ। तो अब आप देखिएगा डियर, 15 into 50 हमारा फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 15 into -2 दैट विल बी द -30। अकॉर्डिंगली -1 into 20 दैट विल बी द -20। 0 into 25 दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड 1 into 30 दैट विल बी इक्वल टू द 30, बट इट इज +30। 2 into 10 दैट विल बी इक्वल टू द 20, बट इट इज +20। तो स्टूडेंट्स अगर आपने गौर से देखा होगा, यहां पर भी -30, यहां पर +30, -20, तो जितने वैल्यूज नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव भी है। तो यहां पर हमें नीचे क्या आएगा, फिर से समेशन एफ डी डैश दैट विल बी इक्वल टू द 0, फिर से वही जो बन जाता है। तो याद रखिएगा डेयर, तो हमने क्या किया, तो यहां पर हमने देखा कि एफ को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, डी डैश के साथ, स्टेप डिविएशन के साथ जो कि हमारे पास है। तो हमने यहां पर इनको मल्टीप्लाई किया, तो -30 बनता है, -20 बनता है, 0 +30 +20,
तो जितने वैल्यू नेगेटिव के हैं उतने ही पॉजिटिव भी है, तो अकॉर्डिंगली उनका जो याद रखिएगा लास्ट में समेशन जो बनता है वो जीरो है। नाउ वी हैव टू हमें एक चीज ये करनी है डियर, हमें एक फार्मूला यूज करनी है। कौन सी फार्मूला? जब भी स्टेप डिवीजन होती है हमें एक और हमें फार्मूला याद रखनी है, तो एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा या समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इनटू सी। डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस फार्मूला, जब भी आप क्या करते हो डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डिवीजन से जो है अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, तो वहां पर आपको देखना है पहले आपको कौन से फार्मूला में क्या यूज करना है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश जो कि ऑलरेडी हमारे पास है डिवाइड बाय समेशन एफ जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड इन टू सी। सी आपको पता होना चाहिए डियर, सी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास, हमने कौन सा लिया था कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर हमने लिया था 5, तो हेयर सी विल बी 5। तो हम इनको वैल्यूज देंगे, एक्स बार इज इक्वल ए कितना हमने लिया, ओके डियर एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 60, ओके प्लस समेशन एफ डी डैश कितना बनता है दैट विल इक्वल टू द जीरो जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि हमारे पास है दैट विल इक्वल टू द 100 इनटू सी कितना है दैट इज इक्वल टू द 5। देखिए डर कैसे ये हम निकाल सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल 60 प्लस 0 डिवाइड बाय 100 तो कितना बनता है 0 इंटू 5, वही बनता है एक्स बार इज इक्वल 60 प्लस 0 इंटू 5 कितना हुआ 0। सो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो निकला फिर से कितना 60। तो स्टूडेंट्स होप आपने यहां पर अच्छे से जो समझ लिया होगा कि हम कैसे स्टेप डिवीजन मेथड में क्या अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं जब भी कौन सी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है। मैं एक मिनट में आपको रिकैप्चर करता हूं, जो पहले वाले मेथड जो है बहुत ही आसान है और ये जो स्टेप डिवीजन मेथड जो है इसमें ऑलमोस्ट वो दो मेथड्स भी इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने क्या किया, वैल्यूज देखे होते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, बाद में हम डी निकालते हैं, डी इंडिकेट्स द डिवीजन दैट मीन्स हाउ मच ए वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, जो आपको एज्यूम्ड मीन लेना है। तो यहां पर हमने 60 लिया, तो हमने कैसे निकाला डी एक्स माइनस ए, तो वो हमारा यहां पर ऐसे निकलता है। तो एक और स्टेप हमने बढ़ा दिया इसमें, दैट्स कॉल्ड द डी डैश। डी डैश मीन्स द स्टेप डिवीजन किसके बराबर होता है, डी डिवाइड बाई सी। तो सी मैंने बोला कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइडर। आप इसमें देख सकते हो कोई भी वैल्यू, जितने भी वैल्यूज हैं उनको किस कौन सा कॉमन डिवाइडर है या कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर याद रखिएगा डियर, यहां पर आप जो है तो 5 ले सकते हो, जैसे हमने 5 लिया तो यहां पर आपके वैल्यूज ये आएंगे। बाद में आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम कौन सा बन जाता है, तो वी हैव टू मल्टीपल द फ्रीक्वेंसी विद द स्टेप डिवीजन, यानी कि जैसे मैंने यहां पर लिखा एफ डी डैश, तो अकॉर्डिंग हमारे वैल्यूज आएंगे। नीचे यहां पर हमें समेशन इनका करना है एंड वी हैव टू यूटिलाइज दिस फार्मूला, हमें इस फार्मूला को याद रखना है, एक्स बार इज इक्वल टू द ए दैट एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समेशन एफ इन टू सी। सी मीन्स कॉमन फैक्टर, तो 60 हमारा ए है, और याद रखिएगा समेशन एफ डी डैश दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज इक्वल टू द 100 इन टू सी दैट इज 5। और यहां पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारा आंसर जो है फिर से कितना निकलता है 60 निकलता है। ऐसे डर हमने जाना कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो एक ही जैसा आएगा। तो दैट मीन्स ये अप टू एग्जामिनर जो होता है वो आपको क्वेश्चन डालता है कि वहां पर डायरेक्टली लिखा होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। होप आपने ये पूरे अच्छे से जो है जाना होगा। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बोल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमने जाना कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। सो स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड इन बेटर वे। तो थैंक यू डियर।